हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अभिमन्यु आईएएस। टारगेट आईएएस 2021 में आप सभी का स्वागत है। हम इस टारगेट के अंडर हम लोग कवरअप कर रहे हैं करंट अफेयर्स को, और वो करंट अफेयर्स रहेंगे मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक के, यानी कि लगभग लगभग अगर बात करें तो एक साल के करंट अफेयर्स हम लोग कवरअप करेंगे इन द 70 डेज। आने वाले 70 डेज में हम सारे के सारे करंट अफेयर्स को कवरअप कर लेंगे, जो प्रिलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लियर है? अगर बात करें, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा, क्योंकि इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स को कवरअप कर लिया है, उसके अंडर भी हम लोगों ने मार्च 2020 के करंट अफेयर्स को ही कवरअप किया है। तो हमारा 3 लेक्चर भी मार्च 2021 के ऊपर ही रहेगा। तो इसी सेशंस के अंडर मैं आपको ट्राई करूंगा कि आपको मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवानी शुरू कर दूं ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर्स। तो आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। आप लोग मुझे जानते ही हो, मायसेल्फ कनम अग्रवाल, करंट अफेयर्स मेंटर इन द अभिमन्यु आईएएस। लीजिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज की सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज की, जो रहती है आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ द SAARC लीडर्स ऑन COVID-19। अगर बात करें, अभी रिसेंटली COVID-19 के ऊपर अभी कॉन्फ्रेंस हो के चुकी है SAARC मेंबर्स की। सर, अगर बात करते हैं कि सारे के सारे SAARC मेंबर्स इस मीटिंग के दौरान प्रेजेंट थे, और मेंबर्स कौन कौन है, वो है आपका इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान अटेंड द कॉन्फ्रेंस। कंसेप्ट देखिए सर, इन सभी ने आपके कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, क्योंकि ये सारे के सारे आपके क्या मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें सर, SAARC बेसिकली है क्या चीज, इट इज अ साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशंस। कंसेप्ट याद रखना, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशंस है। और सर, ये कब एस्टैब्लिश किया गया था, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 8 दिसंबर 1985 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और रिसेंटली अगर और इंपॉर्टेंट अगर एड ऑन डाटा करें हम लोग यहां पे, कि अफगानिस्तान, एक मिनट, अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसने रिसेंटली SAARC को ज्वाइन किया है। सर, SAARC को रिसेंटली ज्वाइन किया, कब किया, ऑन द 13th एनुअल समिट जब हुई थी SAARC की इन 2005। आपको नॉलेज होना चाहिए सर कौन सा कंट्री कब आया था। क्लियर है? अच्छा, और बात करें अगर SAARC की, SAARC का हेडक्वार्टर्स कहां पे मिलेगा आपको, काठमांडू, जो नेपाल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये मीटिंग तो होगी, इसके अंदर, ये मीटिंग के दौरान भारत का क्या रोल प्ले था। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, बेसिक सा था। अब मैं अगर बात करूं दूसरे पॉइंट की, कहते द कॉन्फ्रेंस इज कंसीडर्ड एज अ स्टेप टुवर्ड रिवाइवल ऑफ SAARC। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे पहले ना SAARC समिट हैज नॉट टेकन प्लेस सिंस 2014 बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान टेंशन। सर, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव होने के कारण अभी तक की जो SAARC मीटिंग थी वो हो नहीं पाई थी, जिसके कारण ये प्रॉब्लम थी। और ये हमारे लिए तो पॉइंट इंपॉर्टेंट बन गया सर, इंडिया इसमें रोल प्ले कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की, कि इंडिया हैज प्रपोज्ड टू क्रिएट अ COVID-19 एमरजेंसी फंड। भारत ने रिसेंटली प्रपोज किया है SAARC मेंबर्स को कि क्यों ना हम लोग कि COVID-19 के बेसिस के ऊपर एक एमरजेंसी फंड को बनाए। प्रपोज किया गया है भारत के द्वारा कि वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन की जाएगी फ्रॉम ऑल द SAARC मेंबर्स। क्लियर है पहले तीन पॉइंट आप लोगों को? अब अगर मैं फोर्थ पॉइंट पे आता हूं कि फर्दर $10 million has been extended by the India as a contribution to the fund. अभी इंडिया ने $10 million का contribution दिया है SAARC associations के अंदर। क्यों दिया सर? Due to the COVID-19 crisis. Concept याद रखना सर, इसके पीछे भी reason होना चाहिए कि क्यों दिया गया, आपको पता होना चाहिए हर एक चीज का। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकेंड स्लाइड देखते हैं। कहते इंडिया हैज ऑल्सो प्रपोज अ रैपिड रिस्पॉन्स टीम। इंडिया ने एक प्रपोज भी किया है कि रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई जाए, जिसके अंदर डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट रहेंगे। COVID-19 को लेकर ही एक काफी कॉन्फ्रेंस थी, तो उसी के बेसिस के ऊपर चर्चा की गई थी, अलॉन्ग विद टेस्टिंग किट्स। वो कौन सी रहेंगी सर? आपको तो पता है इंस्टेंट टेस्टिंग किट्स इंडिया के अंदर कौन सी चल रही है आजकल, RT-PCR टेस्ट चल रहा है। तो हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग तो उस टेस्ट की बात की थी।
एंड अदर इक्विपमेंट्स फॉर ऑल द मेंबर कंट्रीज। अगर मैं बात करूं कि इंडिया हैज सेटअप इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस पोर्टल, सर भारत सरकार ने सेटअप किया इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस पोर्टल टू बेटर ट्रेस द पॉसिबल वायरस कैरियर्स, कि हम लोग जो एक ट्रेवलर आ रहा है क्या वो COVID-19 से इफेक्टेड है कि नहीं है। तो उस चीज को लेकर भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया जिसका नाम था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस पोर्टल। कहते इंडिया हैज ऑफर्ड टू शेयर इट विद मेंबर कंट्रीज, भारत सरकार ये सार्क के मेंबर कंट्री से शेयर करने वाला ये वाला पोर्टल। अब तीसरे पॉइंट पर अगर बात करें, द मेंबर कंट्रीज हैव आल्सो प्रपोज्ड टू इंसुलेट इंटरनल ट्रेड ऑफ साउथ एशिया एंड लोकल वैल्यू चेन्स फ्रॉम इट्स इंपैक्ट। अब फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, कहते द मेंबर्स हैव आल्सो डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ वर्किंग ग्रुप ऑफ नेशनल अथॉरिटीज फॉर द हेल्थ इंफॉर्मेशन डाटा एक्सचेंज एंड द कोऑर्डिनेशन। सर कंसेप्ट देखिए, किसके ऊपर डाटा एक्सचेंज करना है, वो भी रियल टाइम बेसिस का हमने डाटा एक्सचेंज करने की बात की है। सर ये डाटा एक्सचेंज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ COVID-19। सर COVID-19 का हमने रियल टाइम डाटा को एक्सचेंज करना है बिटवीन द सार्क मेंबर्स। कंसेप्ट को देखिए सर, इससे क्या रहेगा, इससे एक तो रिलेशंस अच्छे रहेंगे और आप लोग काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेस कर पाएंगे वायरस को, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि इट हैज ऑल्सो प्रपोज्ड अ सार्क हेल्थ मिनिस्टर्स, कि जो सार्क मेंबर्स के हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस की गई थी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल मैकेनिज्म टू शेयर द डिजीज सर्वेलेंस। आगे ना कंसेप्ट की डिजीज सर्वेलेंस डाटा इन द रियल टाइम। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लूं, सर कंसेप्ट देखिए कि हमें जो एक नया वायरस अभी देखने को मिला जिस हमने COVID-19 का नाम तो दे दिया था, सर अगर मैं देखूं उसको ट्रेस अगर करना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो कौन कौन से गवर्नमेंट एजेंसीज ने या एसोसिएशंस ने स्टेप्स उठाए, तो हम लोग सार का नाम लिख सकते हैं जिसके अंदर भारत सरकार ने क्या कर दिया था, भारत सरकार ने इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस पोर्टल बनाया जो बाकी मेंबर्स से भी वो शेयर करेगा टू ट्रेस द COVID-19 इन्फेक्टेड पीपल्स। क्लियर है ये वाला पॉइंट आप लोगों को? इस तरीके से आप लोगों को हर एक चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखकर करना होगा। आगे चलते हैं। ये बोलते हैं कि अफगानिस्तान हैज हाइलाइटेड द वल्नरेबिलिटी एज इट शेयर। अब कंसेप्ट देखिए कि अफगानिस्तान प्रॉब्लम में था, क्यों था सर, क्योंकि अफगानिस्तान अपना बॉर्डर काफी ज्यादा लगता है उसका ईरान के साथ और काफी खुला भी है, और ईरान क्या था, अफेक्टेड कंट्री था COVID-19 से, तो प्रॉब्लम आ रखी थी, ठीक है ना। अब दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, कहते हैं द मालदीव्स हैज सिटेड द इकोनॉमिक डाउनटर्न। सर कंसेप्ट क्या होगा, डाउनटर्न मतलब उसकी इकोनॉमी डाउन आ रखी थी, क्यों आ रखी थी, क्योंकि मालदीव्स एक ऐसा कंट्री है जिसकी इकोनॉमी किसके ऊपर चलती है, टूरिज्म के ऊपर चल रही है, सर टूरिज्म के ऊपर चल रही है। अब COVID-19 आने के कारण क्या हो रखा था, ट्रेवल बैन था, कहते ड्रॉप इन टूरिस्ट फ्रॉम इटली चाइना एंड यूरोप। सर ये तीनों कंट्रीज ऐसे थे जो मोस्टली इफेक्टेड थे COVID-19 से, और इन्हीं के कारण क्या हो गया, मालदीव्स के अंदर टूरिज्म कम हो गया और मालदीव्स की इकोनॉमी क्या करी, काफी ज्यादा डाउनफॉल हो गया था। द मेन सोर्स ऑफ टूरिस्ट फॉर द कंट्री एंड सॉट अ साउथ एशियन रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस। अरे इसीलिए तो भारत सरकार ने बोल दिया कि क्यों ना हम लोग $10 million का ग्रांट ऑफर कर दें, किसके अंदर, सर सार्क के अंदर, ठीक है ना। भारत का रोल प्ले आपको हर जगह पे देखना ही होगा, तभी तो न्यूज पढ़ने का बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, कहते हैं द टूरिज्म डिपेंड्स करंट कंट्रीज लाइक। अब टूरिज्म डिपेंड कंट्रीज कौन कौन सी आप देख सकते हो, सर भूटान है, बिल्कुल है, श्रीलंका बिल्कुल ठीक है, हैज ऑल्सो साइटेड इशूज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक स्लो डाउन। वही कंसेप्ट है ना कि ट्रेवल बैन होने के कारण कौन कौन सी कंट्री, सर मालदीव्स अभी हमने पढ़ा कि एक तो इसको क्राइसिस देखने को मिले, सर भूटान क्राइसिस में आ गया था सर, और श्रीलंका आपका क्राइसिस में आ गया। ये कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये क्या चीज है, दीज आर ऑल द मेंबर्स ऑफ योर साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ, कंसेप्ट बताइए, ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशंस, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं सार्क मेंबर्स के ग्राफ की बात करूं तो हम लोग टॉप पे चल रहे हैं सर, ठीक है ना।
किसके अंदर से टॉप पे चल रहे हैं? हम लोग टॉप पे चल रहे हैं इकोनॉमी के अंदर सर, इंडिया, फिर भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। आगे चलें, हम लोग आगे अपने नेक्स्ट न्यूज पे देखते हैं। अब कंसेप्ट देखिए, कहते हैं महाराष्ट्र टॉप परफॉर्मर इन द ऑर्गन डोनेशन। मैं सबसे पहले न्यूज पढ़ने से ही पहले आपको दो चीजें यहाँ पे बता देता हूँ, क्लियर करता हूँ सर। एक तो ये जनरल स्टडीज किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जनरल स्टडीज टू पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, ये न्यूज शुरू करने से पहले एक प्लीज इसमें एड ऑन कर लो कि भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया है, सेलिब्रेट 10th, सर क्या सेलिब्रेट कर दिया, 10th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। कब किया गया सर ये, तभी तो न्यूज आई है ना, इसके पीछे का कारण भी तो होना चाहिए था ना। 10th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया, ऑन कब किया, ऑन 30th of November। कंसेप्ट और डेट याद रखना आपको, 30 नवंबर को भारत सरकार ने 10th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे को क्या किया, सेलिब्रेट किया है। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया सर, इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द नोटो। नोटो क्या चीज है सर, अभी दो मिनट रुक जाइए, आपको सारे की सारी पिक्चर अभी यहां पे क्लियर हो जाएगी। चलें लीजिए, यहां पे ये एड ऑन डाटा आपने कवर अप कर लिया, अब आगे शुरू करते हैं। पहला पॉइंट बोला गया कि महाराष्ट्र सरपास, महाराष्ट्र अब टॉप पे आ गया, तमिलनाडु और तेलंगाना को इसने पीछे छोड़ दिया, बिकेम द टॉप परफॉर्मर इन द फील्ड ऑफ ऑर्गन डोनेशन। क्लियर है। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं सर, सेकंड पॉइंट की यहां पे लिखा हुआ एक ड्राइव थी, ये किसने ड्राइव लॉन्च की सर, ये ड्राइव लॉन्च की गई है बाय द रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। कंसेप्ट देखिए सर, रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने किया, और पैरेलली स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने किया। तो कौन कौन आ गए इसमें, एक तो आ गया रोटो, जो किस बेसिस पे काम करेगा, वो काम करेगा रीजनल बेसिस पे काम करेगा, कि कौन कौन सा रीजन रहता है। अगर मैं बात करूं सोटो की सर, ये स्टेट लेवल पे काम करेगा। अच्छा, अगर रिसेंटली हमने बोला था नोटो को भी जिक्र किया था, डिस्कस कर लेंगे अभी, तो वो रहेगा पर नेशनल लेवल पे। अगर नेशनल लेवल पे करवाना है मुझे तो नोटो की हेल्प लेंगे हम लोग। तो कहते अलोंग विद, इसी के साथ जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर्स आर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बिहाइंड दिस अचीवमेंट। करेक्ट है। अच्छा आगे चलते हैं, ये बोलते हैं ये वाले पॉइंट में, लास्ट थर्ड पॉइंट में, कहते थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कौन सी मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है आपका नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो नेशनल लेवल पे काम करेगा, जिसको बोला गया था नोटो। कंसेप्ट याद रखना सर, ये है नोटो आपका, ठीक है ना। अगर और बात की जाए, ये नोटो इज सेटअप अंडर डायरेक्टोरेट जनरल, किसके डायरेक्टोरेट जनरल, ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आ गया था एक स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टेट लेवल पे आपका काम करेगा, और रीजनल लेवल पे कौन कर रहा है सर, अभी देख लेते हैं, रोटो, जिसका नाम था रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोलते हैं ये लोग, कहते द ऑर्गन्स दैट कैन बी डोनेटेड फॉर द ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड्स, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हम लोग डोनेशन में इंक्लूड करते हैं, किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स, स्मॉल बाउल एंड टिश्यूज। टिश्यूज के अंडर कौन कौन से आएंगे, लाइक कॉर्नियास, हार्ट वॉल्स, स्किन एंड बोन। सर देखिए, दो तरह से डोनेशन होती है, एक तो होती है बिफोर डेथ और एक होती है अपनी आफ्टर डेथ। बिफोर डेथ में अगर मैं बात कर लूं किडनी की, क्योंकि ह्यूमन बींग में दो किडनीज रहती हैं, हम लोग एक डोनेट भी कर सकते हैं सर, लीवर का कुछ हिस्सा हम लोग डोनेट कर देंगे तो भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। आफ्टर डेथ की अगर मैं बात कर लूँ तो सर हार्ट हम लोग डोनेट कर सकते हैं सर, हम लोग लंग्स डोनेट कर सकते हैं, इवन किडनी को भी डोनेट कर देंगे, फिर तो कोई इशू नहीं रहता अपना, ठीक है ना। ये कंसेप्ट रहता आप लोगों का। आगे है सेकंड पॉइंट, अब हम लोग जो ये डोनेशंस की बात कर रहे हैं, ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं या फिर ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहे हैं, ये परमिट बाय अ लॉ है, और वो कौन सा लॉ है, ये है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ
ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994, इसको थोड़ा सा माइंड में रखना, अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट भैया आप लोग नोट कर लो कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 के तहत ही हम लोग जो ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है या फिर डोनेशन होता है उसके अंडर हम लोग ये काम करते हैं, विच हैज अलाउड ऑर्गन डोनेशन बाय लाइफ, जो जिंदा है, एंड ब्रेन स्टेम डेड डोनर्स, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया, इन 2011 अमेंडमेंट्स ऑफ एक्ट ऑल्सो ब्रॉट, हमने 2011 में ये संविधान के अंदर कुछ चेंजेस किया, ऑल्सो ब्रॉट इन डोनेशन ऑफ ह्यूमन टिश्यूज, सर टिश्यूज के अंदर हमने अमेंडमेंट्स किए थे, thereby calling the amendment act, उसको क्या बोल दिया फिर, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 2011। सर कंसेप्ट याद रखिएगा, सर कंसेप्ट याद रखिएगा, यहां पे बोला गया था ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994। अच्छा, 2011 में यही संविधान में कुछ चेंजेस लाए गए, तभी इसका नाम क्या पड़ गया, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, क्योंकि टिश्यूज के अंदर हमने अमेंडमेंट किया एक्ट के अंदर, कब किया, 2011 में, ठीक। अब ये पॉइंट्स आपको थोड़े से नोट करके रखने हैं, घबराइए मत, वैसे भी इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, बट फिर भी इसको अंडरलाइन कर लेना अपने नोट्स के ऊपर, अगर लिख सकते हो तो बहुत ही बेटर रहेगा। आगे है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो स्टार्टेड अ नेशनल ऑर्गन एंड ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, नॉटअप स्टार्टअप किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल ऑर्गन एंड ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, अंडर विच पेशेंट्स बिलो द पॉवर्टी लाइन आर सपोर्टेड फॉर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसप्लांट। सर पॉवर्टी लाइन से बिलो वाले जो पेशेंट्स हैं उनको सपोर्ट की जाएगी पैसे के तौर पर फॉर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसप्लांट एज वेल एज कॉस्ट ऑफ इम्यूनो सप्रेशंस आफ्टर ट्रांसप्लांट फॉर द वन ईयर। इंपॉर्टेंट रहेगा सर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना रोल प्ले किया है, किसके तहत सर, नेशनल ऑर्गन एंड ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स। आप लोग लिख सकते हो, हम लोग बोलते नहीं है कि कुछ कई ऐसी पॉलिसीज के ऊपर भी अभी आजकल क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, तो सर ये वाली पॉलिसी आप लोग यूज कर सकते हो ना उसके अंदर, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सर, नोट कर लो इसको, चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक और पॉइंट है यहां पे, ये भी लिख लो सर, यहां पे लिखा हुआ है कि इंडिया परफॉर्म्स द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स इन द वर्ल्ड। सर भारत आपका ट्रांसप्लांट में दूसरे स्थान पर है, तो पहले स्थान पर कौन है, आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो सर जी यूएसए टॉप पे आ गया, दूसरे नंबर पे भारत आ रहा है। अगर भारत की बात की जाए तो कौन सा स्टेट आ गया, सर महाराष्ट्र आ गया। आपको हर एक चीज डिटेल में पता होनी चाहिए सर, क्लियर है, चले आगे। फ्रेंड्स देखिए, मैं हर एक सेशन में हर एक स्लाइड में रिपीट करता हूं, अगर किसी को कोई भी डाउट रह रहा है करंट अफेयर्स के ऊपर, कोई और प्रॉब्लम आ रही है, ये टॉपिक नहीं क्लियर हुआ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं वही आपको डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे चलते हैं, अपना थर्ड न्यूज है आज की, क्लासिकल लैंग्वेजेस, सर आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जनरल स्टडीज वन के लिए इंपॉर्टेंट है पेपर, ठीक। यहां पर लिखा हुआ है, एक बिल ग्रांट किया गया द स्टेटस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टू थ्री डीम्ड संस्कृत यूनिवर्सिटीज वॉज पास्ड बाय द राज्यसभा, ठीक है। क्या है इसके अंदर, ये बोलते हैं कि द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल 2019 गिव्स सेंट्रल स्टेटस टू द, कौन कौन से हैं वो है, किस किस को मतलब स्टेटस मिला, वो है राष्ट्रीय संस्कृत संस्था एंड श्री लाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ इन दिल्ली एंड राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ इन तिरुपति। ये चीजें आपको पता है, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे, थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेना दिमाग में, बस एक दो बार रिकॉल कर लेना, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अगर एक बार माइंड में रिकॉल रहेगा ना तो आपको वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, दिक्कत नहीं आएगी आपको वहां पे।
ये बोलते हैं करंटली देयर आर सिक्स लैंग्वेजेस, भैया छह भाषाएं हैं दैट एंजॉय द क्लासिकल स्टेटस इन इंडिया। अब मैं तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, पेन का कलर भी चेंज कर लेता हूँ सर आप लोगों के लिए, तो कौन कौन सी है और ये कब कब हमने इसको क्लासिकल लैंग्वेज में डिक्लेयर किया था। हमने ईयर भी मेंशन करा है, सबसे पहले तमिल 2004 में किया गया, संस्कृत 2005 में। इवन हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर संस्कृत को पहले नहीं करना चाहिए था, नहीं, सबसे पहले तमिल हुई थी डिक्लेयर्ड इन 2004, देन संस्कृत डिक्लेयर्ड इन द 2005, फिर आया कन्नड़ा 2008 में डिक्लेयर किया गया था क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस, किसको, कन्नड़ा लैंग्वेज को। देन तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में किया गया, और लास्ट में किसको किया गया, ओडिया को 2014 में। प्लीज भैया इसको नोट कर लो जी, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला पॉइंट, तो कि तमिल किया गया 2004 में, संस्कृत किया गया 2005 में, कन्नड़ा किया गया 2008 में, तेलुगु भी 2008 में किया गया, मलयालम 2013 में और ओडिया 2014 में। कहते ऑल द क्लासिकल लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला, पता होना चाहिए, बस एक नॉलेज की बात है। चले आगे, ये बोलते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंदर, वंस अ लैंग्वेज इज नोटिफाइड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, कहते एक बार जब कोई भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, अब भैया कंसेप्ट देखो, ऐसे कैसे डिक्लेयर कर दिया, ऐसे कैसे डिक्लेयर करते हैं सर, उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस रहती हैं, कंसेप्ट याद रखना, उसके लिए भी कुछ क्या रहेंगी, गाइडलाइंस रहेंगी, और ध्यान से सुनो वो गाइडलाइंस क्या क्या हैं और कौन कौन से आपकी गाइडलाइन रहती है, मैं यहां पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए। नंबर वन सर, सबसे पहली गाइडलाइन रहेगी, एक रहती है हाई एंटीक्यूटी ऑफ इट्स टेक्स्ट ओवर अ पीरियड ऑफ, कितना सर, 1500 से 2000 साल, कंसेप्ट देखिए सर। दूसरा पॉइंट, वैसे तो कई है, जो मेन मेन है वो मैं आपको शेयर कर लेता हूं। दूसरा पॉइंट क्या रहता है, द लिटरेसी ट्रेडिशन, जो एक लिटरेसी ट्रेडिशन रहता है अपना, बी ओरिजिनल, उस वो ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी से हम लोगों ने बोरो किया, नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच। तो ये दो पॉइंट्स आप लोग थोड़ा ध्यान में रखें, ठीक है, तभी हमने क्लासिकल लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया, कोई भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। फिर क्या बोला हम लोगों ने कि द ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसको बोला था ना HRD मिनिस्ट्री, होता है ना ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देती है, प्रोवाइड सर्टन बेनिफिट्स टू प्रमोट इट। फिर हम लोग इसकी प्रमोशन में लग जाएंगे, कौन करेगा प्रमोशन सर, HRD मिनिस्ट्री करती है, गाइडलाइन आपने देख लिया, डिक्लेयर कर दिया, प्रमोशन कौन करेगा सर, HRD मिनिस्ट्री कर रही है। टू मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स, दो तो मेजर एनुअल पूरे साल में दो इंटरनेशनल अवार्ड्स किए जाएंगे फॉर द स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस इन द क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है ना। एक रहता है आपका अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द स्टडीज इन द क्लासिकल लैंग्वेज सेटअप, दूसरा क्या है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज रिक्वेस्टेड टू क्रिएट टू स्टार्ट विद लीस्ट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स फॉर द क्लासिकल लैंग्वेजेस सो डिक्लेयर्ड। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंगली आपका ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और एक पॉइंट तो सर ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले क्लियर कर देते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा सर ये तो बहुत ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस कब कब हमने क्लासिकल लैंग्वेज में डिक्लेयर कर दिया था, इवन उसके बाद कौन से शेड्यूल में आता है सर, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आता है। ये क्लियर है यहां तक, आगे को दौड़ लें। अब मैं क्लासिकल लैंग्वेज अगर मैं बात करूं पूरे दुनिया के अकॉर्डिंग, तो भैया अपने पास आती है हिब्रू, संस्कृत भी आती है अपने पास, इंपॉर्टेंट है एज व्यू पॉइंट ऑफ इंडिया, संस्कृत इंपॉर्टेंट रहेगी। देन लेटिन आती है, चाइनीज भी आ रही है, ग्रीक्स आ रही है अपने पास, पर्शियन लैंग्वेज आ रही है, देन तमिल आती है सर, और अरेबिक आती है, कंसेप्ट याद रखना सर, ठीक है ना। चले आगे, ये नोट डाउन कर लेना, चलते हैं आगे को। अब अगला न्यूज आता है अपना, कहते ये रहेगा अपना वाटर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर रहेगा, और क्या है, यूज ऑफ वाटरवेज फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट।
याद रखेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है अगर हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं। ये क्या चीज है देखिए, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द शिपिंग हैज इन्फॉर्म्ड इन द राज्यसभा दैट सिग्निफिकेंट सेविंग इन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर एक्सपेक्टेड बाय यूजिंग इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट मोड। ठीक है, किसने इंफॉर्मेशन दिया राज्यसभा में? द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द शिपिंग कहते इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट मोड इज वाइडली रिकॉग्नाइज एज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। एक तो कंसेप्ट याद रखना सर, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली रहता है और काफी चीप भी रहता है, बहुत सस्ता रहेगा ये, एंड कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? कहते इट्स एम, इसका एम क्या है? टू क्रिएट फॉर द शिपर्स एंड द लॉजिस्टिक प्लेयर्स एन अल्टरनेटिव टू द टू डोमिनेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाय द रोड एंड रेल। अब इंपॉर्टेंट मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। इंडिया हैज अबाउट 14,500 किलोमीटर्स ऑफ नेविगेबल वाटरवे विच कंप्राइजेज ऑफ, जो कहां कहां पे चल रही है, रिवर्स पे, कनाल्स पे, बैक वाटर्स एंड क्रीक्स पे चलती है। कितना है भारत सरकार के पास? 14,500 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवे है। कहते अबाउट 55 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो इज बीइंग मूव्ड एनुअली। सर ये देखो कंसेप्ट, एक तो ये इंपॉर्टेंट रहा ही रहा अपना, और ये इंपॉर्टेंट क्या है कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो मोड है वो पूरे साल में 55 मिलियन टन्स का सामान इधर से उधर कर रहा है। तो क्या होगा सर? ये तो हो गया ना अ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड है ये वाला। ठीक, अब अगर बात करते हैं, कहते हैं कि एज पर द नेशनल वाटरवे एक्ट, एक नेशनल वाटरवे एक्ट आया 2016 के अंदर, जिसके तहत भारत में 111 वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज। कंसेप्ट याद रखिए सर, 111 वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज। जैसे हम लोग बोलते हैं नेशनल नेशनल हाईवे रहता है अपना, एक स्टेट हाईवे रहता है, वैसे ही नेशनल वाटरवे भी है। वो किसने, वो कौन सा एक्ट है? वो है नेशनल वाटरवे एक्ट 2016। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी सर अपनी कि नेशनल वाटरवे वन कौन सा है? वो है प्रयागराज से हल्दिया। सर प्रयागराज किसको बोल दिया? सर ये तो अलाहाबाद को बोल रहे हैं ना, जो यूपी के अंदर है। और सर हल्दिया कहाँ पे है? सर ये तो अपने पास वेस्ट बंगाल में मिल रहे हैं ना, तो यूपी से वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं सर। और ये कौन सी नदी पे है? सर ये नदी अपने पास आ जाएगी भारत की सबसे लंबी नदी सर, सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया गंगा, जिसकी कुल मिलाकर लंबाई अप्रोक्सीमेट 2525 किलोमीटर रहती है, 2525 किलोमीटर रहती है। मतलब गंगा नदी के ऊपर नेशनल वाटरवे वन बना हुआ है और जिसकी लंबाई रहती है 1620 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे इन इंडिया। कंसेप्ट याद रखिए, गंगा नदी के ऊपर मिलेगा 1620 किलोमीटर नेशनल वाटरवे वन जिसको बोला गया। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल दिया, एक मिनट, ये बोलते हैं, पहले दो पॉइंट्स क्लियर हो गए आप सभी को, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिएगा। अब आगे क्या बोलते हैं, द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज इंप्लीमेंटिंग द जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। क्या है ये? जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। ये क्या चीज है सर? जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है फॉर कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। मैं रिपीट कर देता हूं, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट फॉर कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑफ नेविगेशन ऑफ नेशनल वाटरवे वन। कंसेप्ट याद रखिएगा, नेशनल वाटरवे वन की जो नेविगेबल की जाएगी इज बीइंग इंप्लीमेंटेड, वो कौन करेगा? जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। और ये सपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है? ये सपोर्ट हो रहा है बाय द वर्ल्ड बैंक। मैं रिपीट करता हूं कि जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है वो कैपेसिटिव ऑगमेंटेशन करता है किसका? नेशनल वाटरवे वन का, implemented by the support of World Bank। Clear? ये बोला गया, the Inland Waterway Authority of India is implementing the Jal Marg Vikas Project, जिसकी estimate cost क्या रहती है? 5369.18 crores for capacity augmentation of navigation of
नेशनल वाटर वे वन जो है हल्दिया से वाराणसी। अब कंसेप्ट थोड़ा सा उल्टा कर दिया हमने, पहले पढ़ लिया था सर प्रयागराज से हल्दिया है, वो कंसेप्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफ द गंगा सर इसकी लंबाई कितनी रहेगी, 1620 किलोमीटर रहती है। कंसेप्ट दोहराते रहा करो, इससे क्या रहता है आपकी रिवीजन भी होती रहती है, इससे आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। प्लीज इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखो। अब मैं थोड़ा सा और अगर देख लेते हैं सर, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अभी हमने देखा ना ये है क्या चीज, इज अ स्टेचुटरी बॉडी। ये क्या चीज है, एक स्टेचुटरी बॉडी है, हालांकि हम लोग इसको अभी पढ़ेंगे। किसके अंडर आती है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, एस्टैब्लिश्ड इन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर आती है। और एस्टैब्लिश कब किया गया था, एस्टैब्लिश इन 1986, 1986 में इसको बनाया गया था। किसको सर, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया था, किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर, और एक स्टेचुटरी बॉडी देती है भली। क्लियर यहां तक भैया, अगली स्लाइड आ रही है, थोड़ा जूम करके पढ़ लेते हैं, बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। एक मिनट, अब देखिए नोट कर लेना इस चीज को कि नेशनल वाटरवे वन है जो गंगा से, मतलब सर गंगा के ऊपर है, 1620 किलोमीटर है, हल्दिया से अलाहाबाद है, या बोल दो हल्दिया टू प्रयागराज, क्योंकि अलाहाबाद को हम लोग प्रयागराज से ही जानते हैं। सर कहां से कहां, ये रहा अलाहाबाद से कहां जा रहा है सर, ये जा रहा है आपका हल्दिया तक, ठीक है ना। और कौन कौन से स्टेट से निकल रहा है, यूपी बिहार झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। अब अगर मैं बात करूं उसी के बिल्कुल साथ में हमने लिखा हुआ है नेशनल वाटरवे टू, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, धुबरी टू सदिया। सदिया क्या है सर, सदिया एक टाउन है अरुणाचल प्रदेश का, याद रखिए सर, धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर का है। और स्टेट्स रहेंगी असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं नेशनल वाटरवे 6 का, वो बाराक नदी पे है, बाराक इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। वो क्या, वो कहां पे है सर, ये 121 किलोमीटर लंबा है और लखीपुर टू भांगा तक है, अभी चल रहा है, इन प्रोग्रेस लगा सकते हो आप लोग, कुछ कुछ जगह पर बेसिकली तो कंप्लीट हो चुका है ये। और स्टेट्स रहेंगे असम, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। अगर बात करें नेशनल वाटरवे 4 की, ये कहां पे है सर, ये आपका रहेगा गोदावरी कृष्णा कैनाल्स पे, 1,700 किलोमीटर ये लंबा है। और स्टेट्स रहेंगी अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। नेशनल वाटरवे 5 कहां पे है सर, ये देखिए कंसेप्ट देख लेना सर, ये रहेगा ब्रह्मानी से उसके डेल्टास और कनाल। सर डेल्टा किसका, सर ये डेल्टा गंगा का ही रहेगा, 588 किलोमीटर है। और स्टेट्स रहेंगे ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। क्लियर है। नेशनल वाटरवे 3 की बात की थी सर, कहां पे है ये, सर ये रहेगा वेस्ट कनाल पे, कोलाम टू कोतापुरम, 205 किलोमीटर की लंबाई है और स्टेट रहेगी केरला। तो प्लीज फ्रेंड्स इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग अपने सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। सर अब देखते हैं कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या था, वैसे अभी हमने डिस्कस तो कर लिया है बट और अच्छे से पढ़ लेते एक बार। कहते हैं इट केम इनटू एग्जिस्टेंस 27 अक्टूबर 1986 को ये आ गया था, 27 अक्टूबर 1986 में बन गया था, फॉर द डेवलपमेंट एंड द रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटरवे फॉर द शिपिंग एंड द नेविगेशन। क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या बोलते हैं, कहते हैं इट्स प्राइमरली अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ IWD, बिल्कुल ना, IWD मतलब इनलैंड वाटर अथॉरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑन नेशनल वाटरवेज थ्रू ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। कंसेप्ट याद रखिएगा सर, पैसा कौन दे रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग दे रहे हैं। कहते हैं हेडक्वार्टर्स कहां पे इसका, नोएडा में, यूपी में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा सर, याद रखना सर, ठीक है ना, विद द रीजनल ऑफिसेस। और कहां कहां पे है, एक तो पटना में है बिहार में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, और गुवाहाटी असम में बना दिया, और एक कोची केरला में बना दिया, ठीक है ना। यानी कि नेशनल वाटरवे वन पे इसके दो रीजनल ऑफिस आपको मिल रहे हैं, एक पटना में मिलेगा और एक कोलकाता में मिल जाएगा आपका, एंड सब ऑफिसेस एट अदर प्लेसेस थ्रू आउट द इंडिया। कंसेप्ट को दिमाग में रखना, एक चीज इंपॉर्टेंट बस ये थी कि सर JMVP भी शुरू किया गया था जो नेविगेशन करेगा नेशनल वाटरवे वन पे और विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। अभी हमने एक दो स्लाइड्स पहले इसको पढ़ा था, वो क्या था, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। चलें आगे, अब अपनी दूसरी सेशन, सॉरी
दूसरी करंट अफेयर रहती है अपनी ओपन मार्केट ऑपरेशन। सर ओपन मार्केट ऑपरेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है? जनरल स्टडीज 3 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या चीज है ये बोलते हैं कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू इन्फ्यूज 10,000 करोड़ लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। क्यों सर? बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू द ओपन मार्केट ऑपरेशन। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हमने परचेज करना था, इसलिए तो 10,000 करोड़ रुपया लिक्विडिटी उतारा मार्केट के अंदर। कहते सेकंड पॉइंट पे, द फाइनेंशियल मार्केट्स हैव बीन फेसिंग हाइटेंड वॉलेटिलिटी ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ COVID-19। बिल्कुल ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि द RBI हैज अर्लियर इन्फ्यूज्ड 25,000 करोड़। रिसेंटली RBI ने 25,000 करोड़ रुपया लिक्विडिटी में दिया था थ्रू लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। किसके थ्रू दिया था? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। वो क्या चीज है? नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता लगेगा। ये बोलते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर द मार्केट ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय द RBI। ये RBI कंडक्ट करवाता है बाय द वे ऑफ सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हम लोग बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं उसकी सेल करनी है, परचेज करनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेटरल बॉन्ड्स होते हैं, तो उसकी सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू फ्रॉम द मार्केट। तो किसकी हेल्प से होता है? सर ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते तो हम लोग कहते हैं विद एन ऑब्जेक्टिव टू एडजस्ट द रूपी लिक्विडिटी कंडीशंस इन द मार्केट। इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला पॉइंट। हमने एक अभी पहले पढ़ा था ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी नॉट इन द फेवर ऑफ स्टेट फंडिंग, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कोलेटरल बॉन्ड्स, तो वो कंसेप्ट आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो सर, ठीक है ना। अब क्या आता है ये पॉइंट के अंदर, कहते इफ देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी, अगर पैसा बहुत ज्यादा आ गया, देन RBI रिजॉर्ट्स टू सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड सक आउट द रूपी लिक्विडिटी। बिल्कुल ठीक है ना, हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा ना सर। सिमिलरली इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का नहीं कंसेप्ट आ जाएगा फिर तो। When the liquidity conditions are tight, then RBI buy the security from the market, thereby releasing liquidity into the market. अगर market के अंदर पैसा बहुत कम रह गया तो RBI purchase कर लेगा। क्या purchase करेगा? Sir, securities, government security को purchase करेगा, जिससे कि market में पैसा आ जाता है। Concept याद रखना, अगर उसने पैसे को खींचना है market से तो वो sell out कर देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस होते क्या हैं? सर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस कहते हैं अंडर LTRO RBI विल कंडक्ट टर्म रिस्पॉन्स ऑफ 1 ईयर एंड 3 ईयर टेनर्स ऑफ एप्रोप्रिएट साइज फॉर अप टू 1 लाख करोड़। कितना अमाउंट रहता है? 1 लाख करोड़ रुपया, ठीक है ना। कहते एज बैंक गेट्स लॉन्ग टर्म फंड्स एट द लोअर रेट्स, इसके कारण क्या होता है, लॉन्ग टर्म फंड्स आते हैं कम ब्याज दर पर, their cost of funds fall, in turn they reduce interest rates for the borrower, जिससे कि हम लोगों के ऊपर जो ब्याज दर है वो कम रह जाएगा, ठीक है ना। तो यहां तक कोई डाउट? चलें आगे। आगे की न्यूज आ रही है अपने पास कि न्यू रेगुलेटरी बॉडी टू कवर द ट्रेडिशनल मेडिसिन। देखते हैं वो क्या चीज है। कहते द राज्यसभा पास्ड द नेशनल कमीशन फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कंसेप्ट देखिए सर, राज्यसभा ने रिसेंटली क्या पास कर दिया सर, NCIM। मतलब क्या रहेगा ये? नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। क्लियर है? ये क्या चीज है सर? ये चीज क्या है आपकी? ये चीज रहती है आपकी, एक बिल है 2019 में आया, एंड नेशनल कमीशन फॉर द होम्योपैथी बिल 2019 फॉर सेटिंग अप सेपरेट कमीशन for the Indian traditional system of medicine and the homeopathy respectively। important रहेगा सर ये वाला, ये important है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए काफी important रहने वाला है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। कहते the National Commission for the Indian System of Medicine Bill 2019 seeks to replace, इसने replace करना किसको? existing regulator Central Council for the Indian Medicine। ये रिप्लेस करने के लिए है पुराना एक्ट। कौन सा सर पुराना एक्ट है? वो है Central Council for the Indian Medicines with a new body to ensure the transparency। हमने ट्रांसपेरेंसी को लेकर आना, इसीलिए तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं सर। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। कहते द टू legislations aimed to ensure availability of quality medical professionals of Indian System of Medicine and the Homeopathy।
सर हमने एक किसको लेकर आना है, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन एंड प्रोफेशनल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, क्लियर। द बिल्स आर ऑल्सो इंटेंडेड टू अडॉप्ट इंटीग्रेट द लेटेस्ट रिसर्च विद द ट्रेडिशनल मेडिसिन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक से कंसेप्ट है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, एक मिनट सॉरी, इसके अंदर एक पॉइंट मैं लिखवा देता हूं सर आप लोगों को। देखिए कहते द ड्राफ्ट बिल, जो ये बिल आया है ना अभी, ये क्या है, कहते द ड्राफ्ट बिल सीक्स टू सेट अप नेशनल कमीशन फॉर द होम्योपैथी एंड रिप्लेस द, रिप्लेस किसको करना है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी बाय अमेंडिंग द, बाय अमेंडिंग द, किसको अमेंड करना है सर, बाय अमेंडिंग होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल, जिसको क्या बोला गया था सर, HCC एक्ट 1973। मैं रिपीट कर रहा हूं सर आप लोग के लिए, मैं एक मिनट थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं हम लोग, ये कब होगा, 1973 में, क्लियर है। मैं रिपीट करता हूं, ये क्यों आया, कहते इसको नेशनल कमीशन फॉर द होम्योपैथी ने रिप्लेस करना है, किसको, सेंट्रल काउंसिल होम्योपैथी को, बाय अमेंडिंग होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट HCC, जिसको बोला गया था कब आया था, 1973 में, क्लियर। आगे चलते हैं, अब अपनी नेक्स्ट न्यूज क्या रहती है सर, ये रहती है अपने पास कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही रहेगा। इसके अंदर क्या है, कहते एज द की वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स 2019 के अकॉर्डिंग इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड, भारत अपनी दुनिया में तीसरे स्थान पर आ चुकी है बिजली उत्पाद में, ठीक है ना। और ये किसने बताया, ये वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स 2019, इंडिया वाज 106th इन द टर्म ऑफ पर कैपिटा कंजप्शन इन 2017। सर डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला, ठीक है ना। कहते इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर USA और चाइना। हालांकि इंडिया, आपकी भारत, एक तो बिजली उत्पाद में तीसरे स्थान पर है, इवन खपत में भी हम लोग तीसरे स्थान पर रहते हैं। किससे सर फर्स्ट कौन है, सर अपने पास पहला आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा आता है चाइना, क्लियर है। तीसरा क्या, अब क्या बोलते हैं, कहते ऑल्दो पावर जनरेशन हैज ग्रोन मोर देन 100 फोल्ड्स सिंस इंडिपेंडेंस, अगर 1947 से मैं आज की बात करूं 2020 की, सर हमने 100 फोल्ड्स क्या कर दिया, सर हमने ज्यादा उत्पाद करना शुरू कर दिया, 100% ज्यादा उत्पाद करना शुरू कर दिया, इवन ग्रोथ में एंड इन डिमांड हैज बीन इवन हायर ड्यू टू एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण जितनी हमने प्रोडक्शन की उससे ज्यादा खपत भी होनी शुरू हो चुकी है, किसके अंदर, 8 core इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। अब ग्राफ देखते हैं सर, चाइना कितना बना रहा है, वो है 5,666 मेगावाट्स। यूएसए कितना बना रहा है आपका सर, 4,319। और भारत कितना बना रही है सर, ये बना रहा है 1279, ठीक है ना। और कितना है ये वाला, रशिया सर, रशिया बनाएगा 1062। जापान कितना बनाएगा, 1036, ठीक है ना। आई एम सॉरी, मैंने आपको बोला था मेगावाट्स, बिल्कुल सॉरी है, ये इसके यूनिट्स क्या रहेंगे सर, TWH में, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, कुछ स्कीम्स अब इंपॉर्टेंट रहेंगी सर। सबसे पहली स्कीम कौन सी है, सौभाग्य स्कीम, इंपॉर्टेंट रखिए। कहते द प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सर कौन सी स्कीम है ये वाली, द प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ओवर 40 million फैमिलीज इन द कंट्री। याद रखिएगा सर, आपको पता होना चाहिए सौभाग्य स्कीम के तहत हमने क्या किया था। अपने पास दूसरी स्कीम भी आ रही है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, सर वो देखते हैं इसके तहत क्या था, जिसको उदय बोला गया था, वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर टू हेल्प टर्न अराउंड पुअर फाइनेंशियल सिचुएशंस ऑफ द स्टेट डिस्कॉम्स। इट ऑल्सो इन्विसेज डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ
24/7, मतलब क्या रहेगा, पूरे हफ्ते 2400 घंटे बिजली रहेगी फॉर ऑल एट एन अफोर्डेबल प्राइसेस, किसके तहत, उदय के तहत। अब आगे चलते हैं, कहते उन्नत ज्योति बाय द अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, जिसको बोला गया था उजाला स्कीम, ये तो अभी भी वर्क में है। इट एम टू प्रमोट एफिशिएंट लाइट, एनहांस अवेयरनेस ऑन यूजिंग एफिशिएंट इक्विपमेंट्स विच रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल। सर कहने का मतलब क्या है, हम लोग एलईडी पैनल्स को यूज करेंगे, जिससे क्या रहेगा, एक तो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम हो जाएगी, और जो लाइट है वो लाइट क्या है, वो ज्यादा फैलेगी। हमने बोला लाइट एमिटिंग डायोड है ये वाला, लाइट एमिटिंग डायोड है तो लाइट तो ज्यादा फैलेगी ना, तभी तो एलईडी को हमने यूज कर रहे हैं। वो किसके तहत, कौन सी स्कीम है? सर वो स्कीम रहेगी उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज, जिसको हम लोग बोलते हैं उजाला, एंड हेल्प प्रिजर्व द एनवायरमेंट। द प्रोजेक्ट इज स्पीयरहेडेड बाय द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। क्लियर है सर, हमने ये चार स्कीम्स को अभी अभी देखा है हमने, इसको नोट डाउन कर लेना सर, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कब क्रिएट की गई, 1974 में, टू हेल्प कोऑर्डिनेट अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू मेजर डिसरप्शंस इन द सप्लाई ऑफ ऑयल, ठीक है ना। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द वेक ऑफ 1973। सेटअप किया कब किया गया था, वैसे 1974 में, बट 1973 में हो गया था, ऑयल क्राइसिस आफ्टर द ओपेक, ठीक है ना। कहते इट इज मेड ऑफ 30 मेंबर कंट्रीज, 30 मेंबर्स हैं इसके अंदर। इट आल्सो इंक्लूड 8 एसोसिएशन कंट्रीज, जिसके अंदर इंडिया बिकेम एन एसोसिएट मेंबर। इंपॉर्टेंट रहेगा सर, सर अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी, भारत सरकार घुस चुकी है, हम लोग घुस चुके हैं इसके अंदर। इंडिया बिकेम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन 2017, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या बोला गया, इट इज एन ऑटोनमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क हेड बाय इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर ये OECD क्या है, सर हमने कल वाले स्लाइड्स में भी देखा था करंट अफेयर्स में, कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सर ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करेगी, क्या करती, इसको बनाया क्यों गया, कहते फाउंडेड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड। और सर इसको कब बनाया गया था, सर इसको बनाया गया था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर सर कहां पे है, पेरिस में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर, चलें आगे, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफी बेसिक सा था ये बोल दो। बस एक न्यूज और करते हैं, फिर हम लोग अपना सेशन को कंप्लीट कर देंगे। यहां पर देखिए, मजे में पढ़िए तभी इंटरेस्ट क्रिएट होगा आप लोग का। रिकैपिटलाइजेशन ऑफ RRBs, सर रीजनल रूरल बैंकिंग्स की अब बात कर रहे हैं। कहते द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हैज गिवन इट्स अप्रूवल। सर कैबिनेट कमेटी ने अपनी अप्रूवल दे दी जो इकोनॉमिक अफेयर्स पे है, फॉर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकैपिटलाइजेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स बाय प्रोवाइडिंग मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल टू द RRBs फॉर अनदर ईयर बियॉन्ड 2019 से 20, that is up to 20 से 21 तक। याद रखिएगा सर, कहते अब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर एंड रोबस्ट रीजनल रूरल बैंक्स विद इंप्रूव्ड CRAR, मतलब क्या, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो विल एनेबल देम टू मीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट इन द रूरल एरियाज, ठीक है। कहते द रिकैपिटलाइजेशन प्रोसेस जो किया गया था रीजनल रूरल बैंक्स का, वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, वो 2011 में अप्रूव किया गया था, एक कमेटी बिठाई गई थी उसके रिकमेंडेशन पे, और रिकमेंडेशन दी वो कमेटी कौन सी थी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ KC चक्रवर्ती। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा सर, कमेटीज के बारे में पूछ लेते हैं। सर एक कमेटी थी जिसने कैपिटलाइजेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स की अप्रूवल दी थी, और वो कमेटी को चेयरमैन किसने किया था, KC चक्रवर्ती ने।
ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आगे, द नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हम नबार्ड बोलते हैं ना जिसको, नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट आइडेंटिफाइज दोज आरआरबीज व्हिच रिक्वायर रिकैपिटलाइजेशन असिस्टेंस टू मेंटेन द मैंडेटरी सीआरएआर ऑफ 9% बेस्ड ऑन सीआरआर पोजीशन ऑफ द आरआरबीज ऑन 31st मार्च ऑफ एवरी ईयर। क्लियर है, कोई डाउट? सर नबार्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सर नबार्ड क्या चीज है? नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। ये बेसिकली क्या चीज है? एक ऐसा फोकस है करता है, सॉरी, एक किसको फोकस करेगा? सर फोकसिंग ऑन द रूरल सेक्टर ऑफ द कंट्री। और ये फाइनेंस किसको करता है? सर ये फाइनेंस करेगा एक तो एग्रीकल्चर को एंड रूरल डेवलपमेंट को करेगा। सर एग्रीकल्चर के अंदर किसको? सर कॉटन इंडस्ट्रीज को कर देगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी कर देगा। कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा सर ये है क्या चीज? सर नबार्ड एक स्टेचुटरी वो है, नबार्ड इज अ स्टेचुटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 1982। सर नबार्ड एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसको 1982 में लेकर आया गया था अंडर द पार्लियामेंट्री एक्ट, ठीक है ना, अंडर द पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1987। क्लियर है सर? 1982 में इसको लाया गया था। हम लोग चले आगे। कैपिटल टू द रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो क्या होता है, जिसको CRAR बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इज द रेशियो ऑफ द बैंक्स कैपिटल, बैंक के कैपिटल की रेशियो है टू इट्स रिस्क। याद रखिए सर, कैपिटल और रिस्क का रेशियो रहता है डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक्स एंड द बैंक रेगुलेटर, ठीक है ना। कौन डिसाइड करेगा? सर एक तो सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा और उसके रेगुलेटर उसको चलाने वाले, टू प्रिवेंट कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम टेकिंग एक्सेस लेवरेज एंड बिकमिंग इनसॉल्वेंट इन द प्रोसेस। बेजल थ्री नॉर्म्स, अभी हम लोग दो देखते रहते हैं कि बेजल थ्री नॉर्म्स के ऊपर ही हम लोग वर्क करते हैं ना, वो क्या चीज आगे देखते हैं। स्टिपुलेटेड टू द कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट्स ऑफ 8%। However, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एज पर द आरबीआई नॉर्म्स इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है भारत के, रिक्वायर टू मेंटेन सीआरएआर ऑफ 9%। कितना करना है सर? हमने 9% हमने मेंटेन करके रखना है। किसको सर? सीआरएआर को, ठीक है। आगे चलते हैं सर, आरआरबीज क्या है थोड़ा सा पढ़ लो सर इसके बारे में भी। ये बोला गया था सर, ये रीजनल रूरल बैंक्स हैं, सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप 1975। नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप ने रिकमेंडेशन दी थी 1975 में, एंड आफ्टर द लेजिस्लेशन ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976। क्लियर है सर? ये थोड़ा सा पढ़ लेना, अगर पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप लोग आरआरबी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे पाओगे यहाँ पे। और भारत के अंदर सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक कौन सा था सर? प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा सर ये वाला, तो द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक प्रथमा ग्रामीण बैंक, कौन सा है? प्रथमा ग्रामीण बैंक वॉज सेटअप ऑन 2 अक्टूबर 1975। अगर मैं बात करूं, द इक्विटी ऑफ आरआरबीज इज हेल्ड बाय, सबसे पहला कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका कितना परसेंटेज रहता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है 50%। उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट, किस राज्य में? कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, फिर आएगा स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा, एंड द स्पॉन्सर बैंक, फिर स्पॉन्सर बैंक आ गया यहां पर। तो सबसे ज्यादा हिस्सा किसका रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का, फिर स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट वो होगी जिस स्टेट में आरआरबी लगा हुआ है, फिर आएगा स्पॉन्सर बैंक। क्लियर है यहां तक? चलें आगे, आगे चलते हैं। फिर आता अपने पास एक निधि प्रोग्राम। सर निधि प्रोग्राम क्या चीज है आपका, देख लेते हैं सर। निधि प्रोग्राम एक न्यू टेक्नोलॉजी है, हैज बीन अडॉप्टेड बाय द महाराष्ट्र हॉस्पिटल्स इन फाइटिंग ऑफ COVID-19। सर महाराष्ट्र सरकार ने हॉस्पिटल्स के अंदर एडॉप्ट किया COVID-19 के साथ लड़ने के लिए प्रोग्राम बनाएगा निधि। द टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड बाय द पुणे बेस्ड स्टार्टअप कंपनी। प्रोडक्ट का नाम क्या है सर? साइंटेक एरॉन। इट इज अ नेगेटिव आयोन जनरेटर,
कंसेप्ट याद रखिएगा सर, ये चीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए चीज इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी सर, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको। द टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड अंडर द निधि प्रोग्राम, ठीक है ना, इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द वायरस, इवन वायरस को तो करेगा ही करेगा, प्लस बैक्टीरिया को भी कर रहा है, एंड अदर फंगल इन्फेक्शंस इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट, एंड कुड हेल्प प्योरीफाई द एयर। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया सर, क्लोज एनवायरनमेंट एंड हेल्प प्योरीफाई द एयर, इवन एयर को भी प्योरीफाई कर रहे हैं, मतलब का जो डिसइंफेक्टेंट रहेंगे वो बाहर निकलेंगे ना, एरिया अराउंड द कोविड 19 पॉजिटिव केसेस एंड सस्पेक्ट्स, तो जिसके कारण आपके जो फ्रंट वॉरियर्स है ना उसमें उन लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। हेंस इट कुड एंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द स्टाफ, डॉक्टर्स नर्सेस हु आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक इन द क्वारंटाइन फैसिलिटी। सर ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले क्लियर कर लेते हैं, अब बहुत ठीक रहेगा सर, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा सर। महाराष्ट्र सरकार ने निधि प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया, किसके लिए सर, फ्रंट वॉरियर्स के लिए। वो कौन कौन है सर, जैसे कि डॉक्टर्स, उनका स्टाफ हो जाएगा, नर्सेज हो जाएंगे, जो राउंड द क्लॉक किसके साथ रहते हैं सर, वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ रहते हैं, ठीक है ना। क्यों सर, ये डिसइंफेक्टेंट करते हैं और एयर को प्योरीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। किसने बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया था, हैज लॉन्च अ निधि प्रोग्राम जिसको बोला गया नेशनल इनिशिएटिव फॉर द डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, अंडर विच अ प्रोग्राम्स फॉर सेटिंग अप ऑफ इनक्यूबेटर्स, सीड फंड, एक्सेलरेटर्स एंड द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ग्रांट फॉर द इनोवेटर्स एंटरप्रेन्योर्स हैव बीन लॉन्च्ड। क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट में बोलते हैं कि अंडर निधि प्रयास, मतलब प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड इन विच एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स TBI। क्या है ये, टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स आर सपोर्टेड विद प्रयास ग्रांट टू सपोर्ट, किसको सपोर्ट करना है सर, इनोवेटर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, विद ग्रांट फॉर द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट एंड डेवलपिंग प्रोटोटाइप्स। क्लियर है। तो फ्रेंड्स लीजिए, मैं आज का सेशन यहीं तक खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट जो अपनी न्यूज रहेगी, वैसे तो अभी भी रेडी है मेरे पास, बट हम लोग आज इतना ही करेंगे, तो अगले स्लाइड्स में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो मैं यहां तक आज का सेशन रोक रहा हूं। आई होप ये वाला सेशन भी आपको काफी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको रेट और रिव्यू जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।